हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने बैंगन को भूनने के लिए रख दिया है। हमारा बैंगन नीचे से भून गया है, अब हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी पलट देंगे, जहाँ से हमारा बैंगन भून नहीं पाया तो हमने दूसरी तरफ पलट दिया इसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैंगन जो है भून चुका है। अब हम इसे एक डोंगे में पानी रख लिया था उसमें डाल देंगे। हमारा जब तक बैगन ठंडा हो रहा है पानी के अंदर, हम सामान ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 प्याज लिए और टमाटर लिए, इन दोनों को आपको चॉप कर लेना है। साथ ही हमने लहसुन की कलियाँ ली और मिर्ची लिए। मिर्ची को कट कर लें और लहसुन को आप कूट के रख लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने सबसे पहले डाल दी हींग और जीरा। जीरा हमारा भून गया, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज चॉप करी हुई। इसको भून लेना है। साथ ही अब हम डाल देंगे हरी मिर्ची कटी हुई और लहसुन कुटा हुआ, इसको कूट लिया था हमने। अब इसी में हम भून लेंगे प्याज के साथ ही। ये हमारी जो प्याज है हल्की गुलाबी हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर चॉप किए हुए। थोड़ी देर बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मैं यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने हरी मिर्ची काफ़ी डाली है, मुझे लाल मिर्च नहीं चाहिए था भरते में। आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून रहा है, हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। और बैगन भी हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छील लेंगे। पानी में डालने से हमारा जो बैगन है वो आराम से छिल जाता है। तो हमने इसको कट लगा लेंगे, इसमें देख लेंगे कहीं कीड़ा तो नहीं है, तो हम इसे कट कर लेंगे। जब हमारा बैगन साफ़ होता है तो बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट करके रख लिया है। और हम मसाला देखेंगे तो मसाला भी हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो इसको, नहीं तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा बैंगन का भरता है वो डाल दिया है। अब इसको मसाले को हमें भूनना है, इसी के साथ ही मिक्स कर लेना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, उसके बाद देखेंगे और चला लेना है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच छोटा गरम मसाला, साथ ही धनिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा बैंगन का भरता है वो बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसे लगी लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।